जी प्यारे बच्चों, सब तो पहला थानू प्यार भरी सत श्री अकाल। अज आप गल करांगे जी वैब पेज ब्लॉग बनाने अते पब्लिश करने। इस तो पहला अपने कुछ एक्सेसिबिलिटीज नाल वर्क किया सी, ऑप्शनस नाल। उस तो बाद अपना नैटवर्क फंडामेंटल्स दे नाल गल की सी। उस तो बाद आप इंस्टेंट मैसेजिंग गूगल टॉक ठीक है जीमेल अकाउंट के जरिए एक चैटिंग करन दे कुछ प्रोटोकॉल्स रूल्स ठीक है जी नियम उन्होंने आप पढ़िया सी। तो अज आप गल करांगे जी वैब पेज ब्लॉग बनाने अते पब्लिश करने। ब्लॉग की एक चर्चा शैली का ढंग है जी, जो कि एक नॉन टेक्निकल अते टेक्निकल यूजरों द्वारा निजी वैब पेज बनाने लिए वरत्या जाता है। नॉन टेक्निकल मतलब जिन्होंने टेक्निकल नॉलेज नहीं हैगी ठीक है, लाइक है जिसमें बी ए आर्ट्स होंगे एक ठीक है, जो बी टेक है एक टेक्नोलॉजी के बीच ठीक है, एक ग्रेजुएशन होना ठीक है। तो बख बख यूजर द्वारा कि एक निजी वैब पेज बनाने लिए वरत्या जाता है। ब्लॉग एक ऑनलाइन निजी डायरी वांगू है जी, वरतना बहुत सौख है, ईजी है। तुसी ब्लॉग नू किसे अलाइन करना, खबर समीक्षा आदि बारे संदेश पहुंचाने लिए वरत सकते हो। ब्लॉग आम तौर उत्ते वैब ब्राउजर की वरतों करके मैनेज किए जाते हैं ठीक है, तो इस दे लई एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है ठीक है जी। कुछ ऑफलाइन ब्लॉग सॉफ्टवेयर की वरतों करके आप पहला कि कंटेंट नू एक पेज नू बना सकते हैं। जदों अपने कोल एक इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल होगा उपलब्ध होगा तो उस तो बाद आप कर सकते जी एक इंटरनेट के जरिए उसनू वैब पर पब्लिश कर सकते हैं। कुछ अपने कोल वैबसाइट्स ने जी जो कुछ अपन मुफ्त सर्विस प्रोवाइड करते हैं एक ब्लॉग बनाने के लिए, लाइक www.wordpress.com, www.bloggers.com, www.blogs.com एंड सो ऑन ठीक है। लाइक दिस तो अपने को कुछ साइट्स अवेलेबल ने। तो पता है कोई भी आप कम करते हैं ठीक है, पार्टिकुलर किसी कंपनी के बीच ठीक है, किसी अपने अकाउंट बनाना है ठीक है, किसी चीज़ को अपने पोस्ट करना है ठीक है, किसी चैटिंग करनी है, तो एक अकाउंट खाता होना जरूरी है उसे ठीक है। चाहे आप चैटिंग कर रहे हैं, मोबाइल थ्रू कर रहे हो, कोई ऐप कर रहे हैं, तो पता है जी आप ऐप भी इंस्टॉल कर रहे हैं तो एक प्ले स्टोर से अपन अपनी जीमेल अकाउंट नाल की करना पैंता है, उसमें जी साइन इन करना पैंता है, लॉग इन करना पैंता है। इस तरह अपने ब्लॉग में जो आप इंटरनेट कनेक्शन के जरिए पब्लिश करना है तो एक अकाउंट बनाना जरूरी है। तो एक अकाउंट बनाने लिए थोड़ा पता है दो ऑप्शन होंगे ने, एक होंगे जी साइन इन, एक होंगे जी साइन अप ठीक है जी। तो उस दे विचों आपां एक साइन अप जिहड़ी ऑप्शन हुंदी है उसनों की करदे हां चुणदे हां, जां लिखिआ हुंदा कई थावां ते जी क्रिएट एन अकाउंट ठीक है जी। जे तुहाडा पहलां तों बणिआ होइआ अकाउंट है तां उस दे बाद की करांगे आपां जी साइन इन जां लॉग इन ते क्लिक करांगे। तां कहिंदे जी वर्डप्रैस जिहड़ा एक मुफ्त वैब सर्विस है जो तुसीं सुंदर वैबसाइट जां ब्लॉग बणाउण लई वरत सकदे हो। इस कोल की ने जी थीम्स ने, उसकी सहायता नाल कि तुसीं डिजाइन नूं कि कस्टमाइज कर सकते अपनी लोड़ अनुसार, वधिया वधिया दिख नूं आकर्षक बनाउण लई आपां जिहड़े थीम्स ने ठीक है उन्हां नूं की कर सकते हैं वरत सकते हैं। तो ब्लॉग नूं वरतण तों पहलां तुहानूं दस चुके मैं एक ब्लॉग अकाउंट की जरूरत है जी ठीक है। इस बनाने लिए तुम्हें एक ब्राउजर अते इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत है, क्योंकि तुम ब्राउजर के राही तुसी उस एड्रेस नू URL नू ओपन करोगे ठीक है। जो तुसी वेब ब्राउजर पर क्लिक किया है तो तुसी जिस साइट के जरिए एक सर्विस प्रोवाइड करवाना चाहते हो ब्लॉग बनाने के लिए ठीक है, उस करा अपने URL नू टाइप करांगे। उस तो बाद ब्लॉग एड्रेस यूजर नेम, पासवर्ड, अपनी निजी जानकारी जी फील्ड्स पूछे होंगे उन्होंने भरेंगे ठीक है। तुहानू एक एड्रेस मुहैया करवाया जाऊगा, एक मजबूत पासवर्ड तुहानू की है उत्थे एक इनपुट करना पैंदा है
मौजूद पासवर्ड तो भाव जिस दे विच छोटे अक्षर बड़े अक्षर कोई स्पैशल चिन्ह होंगे नहीं खास चिन्ह ठीक है नंबर उन्होंने अपन करना पता जी बिच लिखना पैंदा गा अदरवाइज की अपने को वीक पासवर्ड ज एक मीडियम पासवर्ड की सूँ वैलीडेशन मतलब संकेत नज़र आऊगा जो थोड़ा मौजूद पासवर्ड है तो सिक्योरिटी के लिए ठीक है यह कि एक वधिया साबित होंगे तो तुहानू दो बारी पासवर्ड भरना पैंदा एक बारी न्यू पासवर्ड उस तो बाद कन्फर्म पासवर्ड मतलब कि बाय चांस आप जल्दबाजी के कोई अक्षर की आई आप बद मिसटेक नाल की बाय मिसटेक की आप बद इनपुट कर गए या बाय मिसटेक आप कुछ छड गए अपन लगे कि अपने इंसर्ट किया गया पासवर्ड बट वो लैटर की है इंसर्ट नहीं होंगे तो इसको मैच करने के लिए एक कन्फर्म पासवर्ड की एक बॉक्स बनाया जिस रीटाइप करना पैंता जिहड़ा अपने पहला पासवर्ड रखा है उसनू रीटाइप करके आप मैच करते हैं ठीक है जे अपने दोने पासवर्ड मैच कर जाते हैं तो अपना की है वह अकाउंट क्रिएट हो जाता उस तो आप एक लैंग्वेज चुनते हैं भाषा चुनते हैं बनाने तो पहला तो उस तो की करते हैं क्रिएट ब्लॉक पर क्लिक करते हैं जो तुम क्लिक करोगे तो एक इस तरह की स्क्रीन आऊगी तुम्हें कहा जाऊगा यूअर अकाउंट इज नाउ एक्टिवेट ठीक है थोड़ा अकाउंट की एक्टिवेट है तुम इतने की अपने ब्लॉग्स भी कर सकते हैं क्रिएट कर सकते हो जो तुम एक ब्लॉग न बना लिया कंटेंट लिख लिया ठीक है उन्होंने सबमिट करना है ठीक है पोस्ट करना है अपने पबलिश करना है ठीक है तो उस दे लिए एक न्यू पोस्ट पर पहला की करना पेगा क्लिक करना पेगा ठीक है न्यू पोस्ट पर क्लिक करने तो बाद तुहाडे कोल जिहड़ा तुसी कंटेंट समगरी एक वैब पेज मतलब ब्लॉग दे विच देना चाहुंदे हो उसनूं की करोंगे जी दाखल करोंगे उसनूं इस तरह तुहाडे कोल विंडो नज़र आऊगी इस दे विच अपनी अपनी ब्लॉग दे बारे जानकारी देनी चाहुंदे जो भी उसनूं भरन तों बाद पबलिश पोस्ट ते की करोंगे जी क्लिक करोंगे ते तुहाडा एक ब्लॉग की आई बन के तैयार हो जांदा है ठीक है जे किसी ने कमेंट करना है कमेंट कर सकता लीव ए कमेंट्स रिप्लाई एंटर योर कमेंट हेयर लाइक दिस आप की आई उ ब्लॉग दे विच दे सकते हैं फॉर एग्जाम्पल देखो तो एक ब्लॉग बना के दिखा रहा मैं यू आर एल दे विच की लिखूंगा www.blogger.com ठीक है जो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इतने लिखा क्रिएट योर ब्लॉग ठीक है क्रिएट योर ब्लॉग जो मैं क्रिएट योर ब्लॉग से क्लिक करूँगा तो थोड़े लगे अपने आप ये साइन इन पर चला जाऊगा क्योंकि तुम दसिया एक अकाउंट का होना बहुत जरूरी है तो जीमेल अकाउंट के जरिए मैं इसको करूँगा जी एक ओपन करूँगा साइट तो तुम देखोगे मेरे जो जीमेल अकाउंट के जरिए कि मैं ओपन कर रहा है क्रिएट न्यू ब्लॉग्स टाइटल दे रहा मैं कुछ इनू नेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क ठीक है कोई भी थीम दे सकते हो इस तरह ही थीम देनी है थीम दे सकते हो ठीक है ललित एनएसकेएफ डॉट ब्लॉग डॉट स्पोर्ट डॉट कॉम इसका की करांगे आप ब्लॉग क्रिएट करांगे देखो तो एक ब्लॉग की क्रिएट हो गया इस तो बाद की करूँगा जी न्यू पोस्ट पर मैं क्लिक करूँगा ठीक है जी क्योंकि अपन नवी जी पेज है वो जानकारी की है दिखानी है अपनी निजी वैब पेज तो इतने मैं कल्ली एक इमेज नूं की करूँगा जी ऐड करूँगा अपलोड करूँगा अपने कंप्यूटर के विचों
ठीक है जी। मान लो मैं पिक्चर की कर रहे हैं जी, एक ऐड कर रहे हैं ब्लॉग्स विच, ठीक है, कुछ टाइप करना है क्यूट बेबीज, ठीक है जी। इसनों इस तो बाद की करूँगा, जो कुछ होर लिखना चाहते तो लिंक देना चाहते लिंक दे सकते हो, ठीक है, सेव हो रहा है। तो इस तो बाद की करूँगा इन मैं, मान लो मैं कल यही चीज़ जानकारी देनी चाहना, तो की करूँगा पब्लिश, ठीक है। पब्लिश से क्लिक करने बाद तोड़ा की करूँगा एक ब्लॉग पब्लिश हो गया। इसनों चेक करने के लिए आप व्यू ब्लॉग पर क्लिक करा, देखो लिखा गया टाइटल नैशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, अपना थीम से जी, ठीक है, जिस दे विच मैं एक पिक्चर नूं की कीता सी जी ऐड कीता सी, एक पेज बनाया, ठीक है। ये टेक्निकल नॉन टेक्निकल उस दे नाल की कंटेंट दिता, देखो जी एक इमेज ऐड की सी अपने ब्लॉग दे विच, उस दे नाल की दिता सी मैं क्यूट बेबी जिहड़ा लिखा सी, ते यही चीज दस रहा है। उस तो आप एक कमेंट की कर सकते हैं, पोस्ट करना है, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, एंटर द कमेंट, ठीक है, लाइक दिस, साइन आउट कर सकता मैं क्योंकि मैं लॉग इन आया जी, ठीक है, मैं साइन आउट कर रहा हूँ अपने अकाउंट तो, तुसी देखिए एक जिहड़ा मैं गल दसी सी इस दे विच ब्लॉग की एक चर्चा शैली का किसी ढंग से जिहड़ा कि टैक्निकल नॉन टैक्निकल यूजर द्वारा किसी जी वरते, ठीक है, निजी डायरी वांगू तुम्हें पता वरतना भी सौखा है, अपने अपनी लोड़ अनुसार जो कंटेंट से जी दाखिल। ठीक है जी, इस तरह ही थीम आ गई सी थोड़े लवे, ठीक है। उस तो बाद जी आप ऐड की जो मैं इदा लिखा माई फस्ट पोस्ट, मैं इतने ऐड की एक फोटो नाल की लिखा सी क्यूट बेबी, कमेंट्स आ गए से नीचे, कमेंट्स भी दिखा सकते आप, ठीक है। इस तरह थोड़ा एक ब्लॉग बनाउन दे अकाउंट बनाउन दे कि कदम तुहानू पता होने चाहिए ने, ठीक है, ब्लॉग के बारे तुहानू पता होना चाहिए है, तो उन्होंने वैबसाइट के नाम पता होने चाहिए। तो ब्लॉग अकाउंट मतलब अकाउंट कोई भी है उस पता सारे फील्ड सेम होंगे ने, ठीक है, थोड़ा नाम, फस्ट नेम, लास्ट नेम, कन्फर्म पासवर्ड, पासवर्ड, ईमेल एड्रेस, ये जो कॉमन निजी जानकारी है, ये हरेक अकाउंट के पूछिया जाने। इस करके किसी भी वैबसाइट का, किसी ब्लॉगर का, किसी भी आप ऐप का अकाउंट बनाने वास्ते क्या है, खाता बनाने के कदम पूछा है, तो मेनली ये चीज़ें ऐड करनिया जरूरी है। तो तुम्हें पता दो ऑप्शन होंगे ने, साइन इन अते साइन अप। साइन अप राही आप की करांगे न्यू क्रिएट करांगे अकाउंट, साइन इन ते की है जो अपने को ऑलरेडी मतलब बनया हुआ पहले ही खाता है उस दे राही आप की अपना जी ईमेल एड्रेस से पासवर्ड भर के करांगे उन्हें लॉग इन करांगे, ठीक है। जिम्मे तुम्हें दिखाया कि इतने मैं साइन इन किया जस्ट अपना जीमेल अकाउंट के जरिए उसने किया लॉग इन। ठीक है जी, तो